हमारा मायावती जी से कोई द्वेष नहीं है। यूपी के अंदर उनका गठबंधन अखिलेश जी के साथ है, आप लोग दिल्ली में बैठे हुए, हम लोग गांव में रहते हैं। गठबंधन रखवाइए जो का, तो सबसे पहले हम उनका समर्थन करेंगे, लेकिन गठबंधन में रहें। यदि वो 15 दिन पहले गठबंधन को छोड़ने लगी या इस गठबंधन से बाहर होगी, तो फिर उसका भी फैसला होना चाहिए कि आप कैसे विकल्प दो, ये भी तय होना चाहिए। क्योंकि आप ये समझ लीजिएगा, अगर इस बार उन्होंने 2 जून 1995 वाली गलती कर दी, 96 में साहब भारत के प्रधानमंत्री थे, हमारे लोगों को आज तक पता नहीं है। उस समय आई वी और इंटेलिजेंस, उनको सबको पता था कि कांशीराम जी 96 में देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। क्योंकि मुलायम सिंह जी और कांशीराम जी एक थे, और दोनों के एक रह कर जब 6 दिसंबर को मस्जिद तोड़ी थी, उसके 6 महीने बाद यूपी में चुनाव हो गया था, और एक नारा था, मिले मुलायम कांशीराम, हवा मुड़ गई जय श्री राम। ये मेरे से ज्यादा आप जानते होंगे सब। तो यूपी में सरकार बनी थी, और सरकार बनने के बाद पार्लियामेंट का चुनाव 96 में होना था। उस समय देवगुड़ा जी देश के प्रधानमंत्री बने, और देवगुड़ा जी के पास 48 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। यदि साहब कांशीराम जी और मुलायम सिंह जी जो के तो रहते, तो यूपी में उनकी हुकूमत बन चुकी थी, और पार्लियामेंट में 85 की 85 सीटें उनकी थी। यदि ये गठबंधन ना टूटता, तो जो पुराने लोग हैं उन सबको पता, चूंकि हम भी पुराने कार्यकर्ता है, स्टूडेंट लाइफ से काम कर रहे हैं, हरियाणा के चौधरी देवीलाल अपने बेटे को हरियाणा में सीएम चाहते थे और एमपी साहब को देना चाहते थे। पंजाब में प्रकाश सिंह बादल यही चाहते थे। स्वामी जी, ये स्वामी इंदर जी बैठे हुए, इन्हें सारा पता है। साहब के साथ में बातचीत चल रही थी प्रकाश सिंह बादल की और चौधरी देवीलाल जी की। जब यहाँ गठबंधन टूट गया, तो भी पंजाब से 3 MP जीत कर आए। यदि यहाँ गठबंधन रहता, तो पंजाब में 10 के 10 MP आपके थे। हरियाणा में गठबंधन बन ही नहीं पाया था, तो भी अमन कुमार नागराम बाड़े से जीत कर आए थे। मध्य प्रदेश से ठाकुर अर्जुन सिंह को सामान्य सीट पर सतना लोकसभा पर भीम सिंह पटेल हरा कर आए थे बसपा के टिकट पर। यानी इतना बड़ा माहौल देश में बन चुका था। साहब 100 नहीं 150 के आसपास सीटें लेकर आ रहे थे, और ना बहुमत कांग्रेस को मिल रहा था, ना बीजेपी को मिल रहा था, साहब देश के प्रधानमंत्री बनने वाले थे। लेकिन मंजूर इसलिए नहीं था वो व्यक्ति, उनको पता था कि इसने अपनी माँ को जो चिट्ठी लिखी, उसमें लिखा है कि ना तो मेरे बैंक खाते में 1 रुपया होगा निजी बैंक खाते में, और ना 1 जमीन मेरे नाम होगी, तो इस ईमानदार को हम कैसे फंसाएंगे, प्रधानमंत्री बनते ही हमें फंसा लगा सबको, जो हम बाहर विदेशों में फंसे लेकिन इस देश को लूट रहे। इसलिए उनको रोकने के लिए ही 2 जून को एक बहुत बड़ी साजिश हुई। जो इसके सबूत लेना चाहता है, मेरे पास इसके पक्के प्रमाण है कि वो हमला मुलायम सिंह के लोगों ने नहीं करवाया था, वो करवाने वाले वो लोग थे जो आज बैठे हैं देश में, उनका था वो हमला। ये तो साहब की लीडरशिप खत्म करके एक फेक लीडरशिप देश में स्टार्ट कर दी, लेकिन हमने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया। चलो भाई, जो हो गया कोई बात नहीं, अगली गारंटी आप लोग, हम उन्हीं के लिए प्रचार करेंगे, और यदि वो ईमानदारी से प्रचार कर ले, तो इनका यूपी से सफाया हो जाएगा दोनों का। अभी 4 सीटों पर चुनाव हुआ, 2 पे तो कहा समर्थन, 2 पे तो समर्थन दिया ही नहीं, 2 पे तो समर्थन दिया ही नहीं। कैराना में जो चुनाव हुआ, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर बूथ के अध्यक्ष ने भी ये नहीं कहा कि गठबंधन वोट दो। यदि कोई पूछ रहा था कि सर वोट कहाँ दे, तो उसको धमकाया जाता था। यदि चुनाव में कहीं पता लग गया प्रचार में कहाँ थे, तो पार्टी से बात कर दिए जाओगे। यानी कहीं इशारा था ही नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि सेटिंग कहीं हो रहा थी कि हम चुप रहेंगे, तुम इस वोट को इधर जोड़ लेना। लेकिन हमारे लोगों ने जो सब्बीरपुर की जो घटना हुई थी, सहारनपुर और कैराना आपस में मिले हुए, सब्बीरपुर के लोग कैराना और थाना भवन गए, और वहां जाकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब्बीरपुर के लोगों ने यह कहा कि अगर बहन जी या बसपा भी नहीं कहती कि वोट किसे देना है, तो भी संविधान बचाने के लिए और हमारे 56 घर जले हैं, इसलिए वोट तब भी गठबंधन को ही देना है। और मैं यूपी का टेस्ट आपको बता रहा, अगर यू गठबंधन टूट गया, तो SC के लोग तैयार बैठे, वो कतई यहाँ अब रहने वाले नहीं है, सिर्फ इसमें नहीं रहने वाले वो, अगर ये गलती इस बार भी दूसरी बार होगी, वो तैयार बैठे। अब उन्हें गलत जगह फंसाना चाहते हो तो फंसाओ, नहीं तो विचार करो इसके ऊपर। गठबंधन रहे तो उनका साथ दे देंगे, नहीं रहता तो इसके ऊपर विचार करना चाहिए आप लोगों को। देश के